भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों को कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन यह गलत है और राजनीतिक शरारत है। आनंद शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कैंप से ऐसी संभावनाओं को हवा दी गई थी कि पहले से ही पार्टी से असंतुष्ट चल रहे आनंद शर्मा राज्यसभा की होड़ में पिछड़ने के बाद पाला बदल सकते हैं। भले ही आनंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी में जाने से इनकार कर रहे हों, लेकिन उनके नजदीकी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व के फैसले से शर्मा काफी आहत हैं। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में आनंद शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी आगे की रणनीति का खुलासा कर सकते हैं। आनंद शर्मा कुछ महीनों बाद होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी के प्रमुख हैं। उदयपुर चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शीर्ष स्तर फैसले लेने के लिए 8 सदस्यीय राजनीतिक मामलों की कमेटी बनाई, जिसमें गुलाम नबी आजाद के साथ आनंद शर्मा को भी जगह मिली है। इस कमेटी में राहुल गांधी भी हैं। गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा बीते 2 सालों से कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं की अगुवाई करते रहे हैं, हालांकि अब उनका कुनबा बिखर चुका है। आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की राज्यसभा सीट की सूची से बाहर किए जाने वाले बड़े नाम हैं। इसे लेकर पार्टी में आलोचना के साथ साथ नाराजगी भी जाहिर की गई है। शर्मा और आजाद दोनों ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की मुखर आवाज उठाने वाले G23 के प्रमुख सदस्य हैं। इस ग्रुप के सदस्यों में कांग्रेस में प्रमुख सुधारों के लिए अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। G23 के सदस्यों में रहे कपिल सिब्बल ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सिब्बल का समर्थन कर रही है। ऐसे में दिलचस्पी बनी हुई है कि राज्यसभा का टिकट कटने के बाद आजाद और शर्मा का क्या कदम उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।